एक समय की बात है दोस्तों, एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ने के लिए उसे पीछे भाग रही थी। वो चूहा अपनी जान बचाने के लिए दी जान लगा के भाग रहा था। भागते भागते वो लोग एक बाजार में जा पहुंचे। उस चूहे को देखकर उस एक साधु महाराज को दया आ गई। उन्होंने अपनी तपस्या से उस चूहे को वरदान दिया तो वो चूहा बिल्ली बन गया। अब वो बिल्ली बनने के बाद दूसरी बिल्ली उसे कुछ नहीं कर पा रही थी। चूहा खुश होकर चला गया। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। उसके बाद उसी बिल्ली के पीछे जो चूहा बिल्ली बना था, कुत्ता उसका पीछा कर रहा था उसको मारने के लिए, और वो वापस भागते भागते उस महाराज के पास आ गया। महाराज ने दोबारा से उस जो बिल्ली बनी हुई थी उसे वापस अपने वरदान से शेर बना दिया। अब वो शेर बनने के बाद कुत्ता उसको देखकर भाग गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और अब गांव के अंदर जो लोग जानते थे कि ये भले ही शेर है लेकिन ये वरदान से बना हुआ शेर है, तो लोग उसे चूहा ही समझते थे, और ये बात उस चूहे को बहुत बुरी लगती थी। चूहा सोचता था कि अब मैं शेर बन गया हूँ तब भी लोग मुझे डरते नहीं है। तो उस चूहे ने सोचा कि लाओ उस महाराज को ही मार दूँ तो सब लोगों को मेरी ताकत पे विश्वास हो जाएगा। एक दिन चूहा उस महाराज को मारने के लिए जा रहा था। महाराज अपनी तपस्या में थे लेकिन उन्हें पता चल चुका था कि ये इसकी जो नीयत है सही नहीं है। उस शेर को अपनी तरफ आते हुए देखते महाराज ने वापस अपना मंत्र पढ़ा और वो चूहा वापस जो शेर बना हुआ था वापस चूहा बन गया। महाराज ने कहा कि मैंने तेरी जान बचाई और तू एहसान फरामोश निकला, तू हमेशा चूहा ही बनने के लायक था और चूहा ही बन के रहेगा। और वो चूहा वापिस चूहा बनकर भाग जाता है। दोस्तों कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर कोई आपको आपके बुरे वक्त में मदद करे तो हमेशा उसका साथ दीजिए। उसके बुरे वक्त में आप कुछ अच्छा कर सकते हो तो ज़रूर अच्छा कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली बढ़ सके, सब्सक्राइबर बढ़ सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।